आपके स्टेट का सेट एग्जामिनेशन हो गया सभी के सभी टीचिंग एग्जाम्स पीएचडी एंट्रेंस सभी की तैयारी जो है वो आप लोगों के लिए प्लेटफॉर्म पर होती है जो भी हमारे स्टूडेंट दिसंबर के लिए तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो मैं आप सब लोगों को बोल दू सपोर्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हो जो इस वक्त आपको नीचे दिख रहा है अर्ली एंट्री जो है वो आप सभी लोगों के लिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अभी से अपनी बुकिंग्स करवा सकते हैं कंप्लीट हैंडबुक्स के साथ में पेपर वन और पेपर टू की खुद के हमारे लिखे हुए नोट्स साथ ही साथ कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिलती है आपको अपडेटेड वीडियो कोर्सेज तो मिलते ही मिलते हैं डेली टॉपिक वाइज क्विजेज हैं जो आप लोगों को दिए जाते हैं हर टॉपिक के नीचे उसका क्विज होता है डेली ठीक है डाउट क्लियरिंग सेशन है आपके लिए और साथ ही साथ पूरा का पूरा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी है जो आप लोगों के लिए जे आर एफ अड्डा एप्लीकेशन पर चलता है इस वक्त अगर आप लोग हमारे साथ तैयारी करना चाहते हो तो 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैच जो है वो आप सभी लोगों के लिए हम लॉन्च ऑलरेडी कर चुके हैं इग्निशन बैच जिसकी क्लासेस आपके लिए ऑलरेडी रनिंग में है पूरा पेपर वन में आपको करवा रही हूँ इसके अंदर और साथ ही साथ हर एजुकेटर अपना अपना पेपर टू भी यहाँ पर कवर कर रहा है तो ये अगर आप लेना चाहते हो तो भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो कॉल कर सकते हो सपोर्ट नंबर पे फोर थाउजेंड इसकी प्राइस है अगर आप पेपर वन प्लस पेपर टू लेते हो और ट्वेंटी फाइव हंड्रेड आपकी प्राइस है अगर आप ओनली पेपर वन लेते हो आपके पास में एक स्ट्रेटिफाइड और एक क्लस्टर सैम्पलिंग दोनों को हमेशा साथ में क्यों पढ़ाते हैं ये राम शाम वाला केस है इनका देखो सीन ऐसा है क्लस्टर का मतलब होता है नेचुरली अकरिंग ग्रुप्स क्लस्टर का क्या मतलब होता है नेचुरली अकरिंग ग्रुप्स जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सभी लोग यूजीसी नेट क्लस्टर हो नेट क्लस्टर क्यों हो क्योंकि आप सभी बच्चे यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं समझ गए किसी भी एक पर्टिकुलर देश के अंदर रहने वाले सभी के सभी लोग क्लस्टर हैं जैसे हम इंडियंस हैं, हम क्लस्टर हैं ग्रुप्स को हम कहते हैं क्लस्टर हो सकता है जोग्राफिकली हो हो सकता है एज वाइज हो हो सकता है क्लास वाइज हो हो सकता है बैच वाइज हो, हो सकता है जेंडर वाइज हो दुनिया के सभी मेल्स एक क्लस्टर है

तब हम उसे क्या कहते हैं तब हम उसे कहते हैं क्लस्टर सैंपलिंग क्या कहते हैं क्लस्टर क्लस्टर सही। देन आपके पास में आता है बिल्कुल के जैसा ही है डिफरेंस ये है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग के अंदर हम खुद ये ग्रुप बनाते हैं और इस ग्रुप को हम बना रहे हैं तो बेसिकली उतना बड़ा नहीं बनाते हैं छोटा बनाते हैं हम एक स्ट्रेटा बनाते हैं स्ट्रेटा का मतलब होता है सब ग्रुप एक छोटा ग्रुप बनाना ये हमने बनाया है ठीक है ये नेचुरली नहीं कर रहा था ये हमने बनाया है याद रखेंगे sampling, के में नहीं और नहीं नॉन है. है तो ही बट यहां पर हम सब ग्रुप्स को कंसिडर करते हैं समझ रहे हैं सब ग्रुप्स को हम कंसिडर करते हैं जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ इमेजिन करिएगा कि यहां पर मैंने आप सभी लोगों को बोला कि हमारी ये क्लास थी अब आप इस क्लास के बिहेवियर को स्टडी करना चाहते थे ठीक है ना तो आप सभी लोग जो है इस क्लास से सैंपल चूज करोगे और ये जो सैंपल है ये क्या करेगा ये एक साइकोलॉजिस्ट देखेगा और बताएगा कि इस क्लास के अंदर कैसे बच्चे हैं अब आप मुझे एक बात बताओ इस क्लास के अंदर कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो बड़े हसमुख होंगे मैम कुछ ऐसे बच्चे होंगे ना जो बड़े हसमुख होंगे मैम कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो एकदम ही शांति की मूर्ति होंगे मैम कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत ही ज्यादा उदास होंगे कुल मिला के यहां पर मैंने क्या बनाया है ये बच्चे बनाए हैं जी कोई दिक्कत नहीं दो चारों का मुँह टेढ़ा मेढ़ा हो गया है दिल पे ना लीजिएगा क्योंकि आपको पता ही है मेरी ड्राइंग थोड़ी एम एफ हुई मैंने क्या बोला मेरे पास में एक क्लास थी क्लास में कुछ बच्चे होंगे मैम जो थोड़े हसफ होंगे कुछ बच्चे होंगे थोड़े नाराज टाइप को होंगे कुछ बच्चे उदासी में चल रहे होंगे पीछे बैकग्राउंड में एकदम सैड सॉन्ग चला के सुन रहे होंगे है ना अब आप क्या कर रहे हो आप इस पूरे के पूरे पूरे के पूरे पॉपुलेशन में से खुद के ग्रुप्स बनाओगे एक ग्रुप में आप सारे के सारे आप क्या बनाओगे खुद के ग्रुप बनाओगे जैसे कि एक ग्रुप में आप सभी लोग ऐसे लोगे जो सारे के सारे हसमुख हैं, ठीक है ठीके? सारे के सारे ऐसे लोग ले लोगे। ये आपका एक स्ट्रेटा हो गया फिर आपने एक स्ट्रेटा बनाया जिसके अंदर सारे के सारे नॉट सो हंसने वाले लोग होंगे है ना होते ना थोड़े एकदम स्ट्रिक्ट टाइप के स्ट्रिक्ट। कुछ ऐसे लोग जो उदास वाले हैं उदास वाले सारे लोगों को आपने एक ग्रुप में ले लिया आपने क्या किया आपकी ये जो पूरी की पूरी क्या थी क्लास थी इन क्लासेस को आपने अलग अलग सब ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया एक लाइन में सारे ऐसे लोगों को खड़ा कर दिया जो हंसमुख थे एक में सारे ऐसे को खड़ा कर दिया जो नॉट सो हंसमुख थे एक में ऐसे को खड़ा कर दिया जो बिल्कुल ही दुखी थे एकदम ही सैड सॉन्ग सुन के आ रहे थे मैडम अब क्या किया आपने अब आपने हर एक स्ट्रेटा में से एक बंदे को चूज कर लिया हर एक बंदे को चूज कर लिया अब बताओ बन गई कि नहीं बन गई आपकी परफेक्ट सैंपल बोलो अरे बन गई कि नहीं बन गई आपकी सैंपल तो ये जो मैंने आपके सामने करके दिखाया इसे हम बोलते हैं स्टार्टफाइड सैंपलिंग आपकी कंप्लीट पॉपुलेशन को हम सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं ये सब ग्रुप्स सिमिलर होते हैं सिमिलर है ना दोनों ही है एक देवदास का गाना सुन रहा है तो दूसरा भी देवदास का ही गाना सुन रहा होगा सेम पिंच ठीक है एक कबीर सिंह तो दूसरा भी कबीर सिंह ठीक है एक ये क्या है ये बैठा है एकदम चुपचाप तो ये भी चुपचाप ही बैठा होगा ये हंस रहा है तो ये भी हंसी रहा होगा समझ रहे हैं इन्होंने देखी कॉमेडी पिक्चर इन्होंने देखी हॉरर मूवी चुपचाप बैठे एकदम सन्नाटा हो गया है कोई एक्सप्रेशन नहीं है इनके जीवन में और इन्होंने कौन सी देखी देख ली होगी कोई सैड मूवी मुझे, मुझे याद नहीं आ रही अभी बहुत सारी सैड मूवीज होती है मैं देखती नहीं इसलिए याद नहीं <laughs> खुल मिला के बात ऐसी है आपने सिमिलर सब ग्रुप्स में डेटा को डिवाइड किया आई मीन पॉपुलेशन को डिवाइड किया और हर सब ग्रुप में से फिर आपने रिप्रेजेंटेटिव चूज कर लिए कर दिया हाँ बिल्कुल कर सकते हो आप अलग कर सकते हो तो ये जो मैंने आपके सामने करी ये क्या है ये आप लोगों के लिए है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग अच्छा मुझे एक बात बताना यहां पर सभी अलग अलग प्रकार के लोग हैं तो ये जो आपकी पॉपुलेशन है ये पॉपुलेशन थी ना पॉपुलेशन ऑफ क्लास सही है ये जो पॉपुलेशन है इसमें सभी लोग अलग अलग प्रकार के हैं डिफरेंट है हम इसे बोलते हैं हेट्रोजीनियस क्या बोलते हैं हेट्रोजीनियस यहां पर जो आपका पॉपुलेशन होता है वो कैसा होता है हेट्रोजीनियस होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और वो भी कौन सा वाला टैटू वाला टैटू वाला बड़े वाला 2019 से ये क्वेश्चन लगातार किसी ना किसी फॉर्म में रिपीट हो रहा है वन ऑफ द मोस्ट फेमस टाइप ऑफ सैम्पलिंग अगर मैं बोलूं क्वेश्चन वाइज स्ट्रेटिफाइड क्लस्टर और स्नोबॉल ये तीनों तो ऐसी टैटू करवाई है ना एनटीए हर बार कहीं ना कहीं से ये क्वेश्चन पूछता है पॉप्युलेशन ऑफ आई मीन सॉरी हा पॉप्युलेशन इन स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग इज हेट्रोजीनियस वाई हेट्रो हेट्रो का मतलब अलग अलग प्रकार के होना अलग अलग प्रकार के हैं देख लो एक हंस है एक नहीं हंस है एक रो रहा है ये लोग रुला भी देते हैं आप बोलोगे तो ये लोग आपके मार्क्स लाने के लिए जे लाने के लिए मैं पूरी बता रही हूँ रखो एग्जाम में जब आए क्वेश्चन तो शक्ल याद आना चाहिए मैम की और मेरी और इसकी हाँ ऐसे पढ़ा था इसमें भी रुलाओ फिर इसको। <coughs> बोलो समझ में आ गया मैम ये हेट्रोजीनियस है यानी पॉपुलेशन कैसी है अच्छा एक बात मुझे बताओ मैम ये जो आप लोगों ने स्ट्रेटा बनाए हैं ये स्ट्रेटा बोल दू इनको सब ग्रुप्स को ये जो स्ट्रेटा है इन स्ट्रेटा के अंदर कैसे लोग हैं सिमिलर लोग हैं तो ये कैसे है स्ट्रेटा और स्ट्रेटा कैसा है होमो होमोजीनियस क्यों सेम है ना दोनों रो रहे हैं दोनों कुछ नहीं कर रहे हैं दोनों हंस रहे हैं सेम लोग विद इन ग्रुप अगर ये स्ट्रेटिफाइड है तो क्लस्टर अपने आप समझ में आ जाना चाहिए क्यों क्योंकि जो आपका मैम क्लस्टर है वो है नेचुरली अकरिंग ग्रुप्स नेचुरली अकरिंग ग्रुप्स जैसे फॉर एग्जाम्पल डेली है डेली में रहने वाले सभी लोग डेली आइट समझ रहे हो गुजरात है गुजरात में रहने वाले सभी लोग गुजराती अब गुजरात के अंदर सिंह नाम का एक आदमी रहता है वो भी क्या है वो भी गुजराती ही कहलाएगा है वो सिंह सरदार जी है पर फिर भी वो क्या कहलाएगा गुजराती कहलाएगा क्यों क्योंकि मैम आप उसको एक क्लस्टर में देख रहे हो बाहर से देख रहे हो सारे के सारे गुजरात में रहने वाले लोग हमारे लिए गुजराती हैं सारे के सारे लोग जो पंजाब में रहते हैं पंजाबी है ज्योग्राफिकल एरिया वाइज मैंने क्या कर रखे हैं क्लस्टर बना रखे हैं हमारे पूरे देश को बाहर की दुनिया कैसे बोलती होगी कहीं भी आप दुनिया में चले जाओ आपका पासपोर्ट देख के बोलेंगे अच्छा यू आर इंडियन क्या बोलेंगे यू आर इंडियन हमारा जो क्लस्टर है बाहर से वो क्या है हमारे देश दैट इज इंडियन उसके बाद हमारा स्टेट सभी के सभी लोग जो कि एक ही क्लस्टर में आते हैं वो कैसे होते होंगे सोच के देखना एक ही क्लस्टर में आ रहे हैं तो कैसे होते होंगे अब हम क्या करते हैं पूरे के पूरे क्लस्टर को ही उठा लेते हैं मैम क्योंकि इस क्लस्टर में सारे अलग अलग लोग हैं अलग अलग लोग हैं कोई दिक्कत नहीं है तो यहां पर विद इन ग्रुप है ना विद इन ग्रुप क्या है होमो ना और जो पॉपुलेशन है वो कैसी हो गई होगी अरे सभी को स्टेट वाइज डिवाइड किया है ना तो ये किसका क्लस्टर है स्टेट का सारे के सारे स्टेट है हाँ सारे के सारे स्टेट है यानी कि पॉपुलेशन कैसी है होमोजीनियस आपका ग्रुप के अंदर लोग कैसे हैं ही इंपॉर्टेंट चार्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे के सारे इसमें की डिफरेंसेस लिखे हैं आप लोगों के स्ट्रेटिफाइड के और क्लस्टर के इंपॉर्टेंट वाला पढ़ो मैंने क्या बोला किसके अंदर इंडिविजुअली पिक कर करके सैंपल में चीजें डालती हूँ देख लो ठीक है ना कंफर्म करवा रही हूं जो समझाया सही समझाया बढ़िया रट्टा मार के आई थी ठीक है क्लस्टर सैंपलिंग की बात करूं तो कैसे पॉपुलेशन बनाई जाती है मैम पूरे के पूरे क्लस्टर को कलेक्टिवली उठा लो एक बारी में उठा लो किडनैप कराओ सुपारी दो इनकी सबकी आगे देखो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, जो आप लोगों की होमोजेनिटी होती है वो किस में होती है विद इन ग्रुप्स लिखा था अभी थोड़ा पीछे करके देख लेना बैक करके देख लेना यही लिखा था यहां पर किसके बीच में होती है बिटवीन ग्रुप्स बिटवीन ग्रुप्स डेलिहाइट्स गुजरातीज है ना कैसे मैम वो दिल्ली में रहने वाले सभी लोग यानी कि वो एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दूसरा क्लस्टर भी एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो बाहर से देखने पे तो स्टेट स्टेट है उनके अंदर क्या है है मतलब कि हो हेट्रोजीनिटी किसकी है ये पॉपुलेशन हेट्रोजीनिजीनियस है जो आप लोगों के बिटवीन ग्रुप्स है उनके बीच में कैसे लोग हैं हेट्रोजीनियस है। एक अलग है एक अलग है अंदर सभी सिमिलर लोग होंगे उस स्ट्राटा के बट एक स्ट्राटा दूसरे स्ट्राटा से बिल्कुल अलग है ड्रॉ किया था अभी और यहां क्या है हेट्रोजिनिटी विद इन ग्रुप है क्लस्टर के अंदर ही कैसे लोग हैं अलग अलग प्रकार के लोग हैं हां सही ये बहुत इंपॉर्टेंट है दो तीन पॉइंट्स ये इनको बहुत ज्यादा जरूरीली याद रखना है है ना नेचुरली अकरिंग किस में होते हैं क्लस्टर में इम्पोज रिसर्चर कौन by researcher आपका स्ट्रेटिफाइड सही है अगर मुझे पैसा बचाना है तो मैं कौन से टाइप की सैम्पलिंग लगा दूंगी क्लस्टर लगा दो कोई दिक्कत नहीं है है ना बट अगर मेरे को एकदम प्रीसाइज डेटा चाहिए तो मैं किसके बीच में जाऊंगी भैया स्ट्राटा के बीच में चले जाएंगे आप